Welcome to vms's youtube channel class third subject english topic birban the wise chapter three so yesterday we have done this chapter still today i will do a short recap of this page uh, we have uh, yesterday we have seen that uh, akbar was not in good mood and his mantri birban tried to cheer him up इस राजा अच्छे मूड में नहीं था और उसका मंत्री बिरबन उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था और जिसकी वजह से अकबर और ज़्यादा गुस्सा हो गया और वह अपने मंत्री को राज्य से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया तभी उसे अपनी गलती पर एहसास होता है और वह अपने मंत्री को बहुत मिस करता है मिस करता है और फिर वह अपने सारे राज्य के जितने भी मंत्री होते हैं सैनिक होते हैं उसे बिरबन को ढूंढने के लिए भेजते हैं पर वह बिरबन को कहीं नहीं ढूंढ पाते हैं देन एम्पर डिसाइडेड डेट ही वॉन्टेड सम न्यू मिनिस्टर जो बिरबन का जगह ले सकता हो और उसने राज्य में यह खबर पहुंचवाया कि जो भी जितना इंटेलिजेंट है या जिस जो नॉलेजफुल लगता है उन किसी को भी राज्य में आके टेस्ट देना पड़ेगा टू हैव द प्लेस ऑफ बीरबंद स्वराज दरबार में बहुत सारे मंत्री सैनिक पंडित ज्ञानी सब आए थे सबका टेस्ट हुआ लेकिन राजा को किसी में भी बिरबन की छवि नज़र नहीं आई इस बिरबन के जैसा इंटेलिजेंट नहीं पाया गया कुछ दिन बाद एक टीचर और उसके साथ दो स्टूडेंट राज्य में आए टीचर का जो कपड़ा था वो बहुत ही फटा पुराना टॉर्न एंड डटी नोट्स लेकिन उसके जो छात्र थे स्टूडेंट थे उनका कहना था कि मेरा जो टीचर है वो बहुत इंटेलिजेंट है इवन आपके बिरबन से भी कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है सो so, अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा कि अच्छी बात है हम इस टीचर का टेस्ट लेना चाहेंगे नाउन मूव टू नेक्स्ट पेज द टीचर एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड सेड टीचर ने उन मंत्रियों का चुनौती स्वीकार किया और कहा आई डो नॉट क्लेम टू बी वाइज मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत ही चालाक हूँ और ज्ञानी हूँ इवन दैन इसके बावजूद आई एम रेडी फॉर द टेस्ट मैं इस टेस्ट के लिए तैयार हूँ द मिनिस्टर स्टार्टेड आस्किंग हिम क्वेश्चन के और मिनिस्टर लोग उस टीचर से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए एंड ही आंसर्ड दैम वाइजली वाइज मिस चतुराई से और उसने सारे प्रश्नों का जवाब बहुत ही चतुराई से दिया हु ग्रेटेस्ट एम्पर ऑफ अर्थ मिन्स अर्थ का सबसे बड़ा राजा कौन है देन ही आंसर्ड एम्पर अकबर ऑफकोर्स उसने कहा और कौन हो सकता है अकबर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल साउंड दूसरा क्वेश्चन उसके सामने आया कि सबसे सुंदर साउंड क्या है दैन हि सेट अ बेबीज लाफ्टर बच्चे की हंसी से ज़्यादा खूबसूरत तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है सी द ब्यूटिफुल साउंड इज़ बेबीज लाफ्टर बच्चे की हंसी यस इट इज़ वेरी ट्रू डेट ट्रैवल्स थर्ड क्वेश्चन वॉट ट्रैवल्स फास्टर दैन द विंड मीन्स हवा से तेज चलने वाली कौन सी चीज़ है फास्टर मीन तेज चलने वाली किससे हवा से दैट इज द राइट आंसर इज लाइट बिरबन रिप्लाइट नॉट बिरबन नाउ द बिरबन इज इन टीचर्स ड्रेस बिरबन अभी उस टीचर के ड्रेस में है सो so, टीचर ने रिप्लाई दिया लाइट फोर्थ क्वेश्चन वॉट इज द स्वीटेस्ट थिंग ऑन अर्थ धरती पर सबसे मीठा चीज क्या है द आंसर इज हनी ओके मधु शहद इट अकबर टू आस्क हिम सब मंत्रियों ने प्रश्न पूछ लिया अब अकबर ने सोचा कि मैं भी जिसे बीरबन का जगह देना चाहता हूँ मैं भी उससे कुछ प्रश्न करना चाहूँगा और बिरबन ने भी कुछ प्रश्न पूछे सॉरी, हाउ और वॉट इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अ किंग राजा का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है तो उस टीचर ने जवाब दिया हिज बैड टेम्पर यानी उसका गुस्सा उसका बुरा मूड okay. अकबर वॉज हैप्पी विद द टीचर्स आंसर और जो राजा था अकबर ही वॉज वेरी हैप्पी उसे सुनकर बहुत हंसी आया और खुश हो गया द टीचर्स आंसर ही डिसाइडेड टू मेक हिम अ मिनिस्टर और वो प्रश्न प्रसन्न होकर उस टीचर को तय कर लिया कि इसे ही मैं मंत्री बनाऊंगा अपने राज्य का हाउएवर अकबर वांटेड टू टेस्ट हिम विद वन लास्ट क्वेश्चन खुश होने के बावजूद अकबर को एक आखिरी प्रश्न पूछना था कैन यू परफॉर्म मिरेकल्स क्या तुम कुछ ऐसा अनोखा अजूबा या फिर जादू जिसे हम कहते हैं ऐसा कुछ कर सकते हो सी परफॉर्म मिरेकल्स अकबर आगस्ट अकबर ने उस टीचर से कहा टीचर ने कहा वाई नॉट क्यों नहीं मैं कर सकता हूँ रिप्लाइड द दे टीचर देन सर कैन यू ब्रिंग बैक माई मिनिस्टर बिरबन और राजा ने देखो उनसे क्या पूछा कि क्या तुम मेरा सबसे पसंदीदा जो बिरबन है उसे तुम वापस ला सकते हो टीचर ने कहा येस अफकोर्स हाँ मैं ला सकता हूँ डैट इज़ वेरी इजी ये कोई बड़ी बात थोड़ी है तो बहुत ही आसान सी काम है विद दिस वर्ड्स ऐसा कहते हुए द टीचर पुंड ऑफ हिज फोन्स बियर्ड ऐसा कहते हुए उसने अपने नकली दाढ़ी और जुबान है दाढ़ी मूछ और जुबान सर पे लगाए हुए थे उसने ही क्विक ने रिमूव हिज द टिकनो और जल्दी से अपने पुराने फटे हुए कपड़े भी उतार डाले इट वॉज बिरबन हिमसेल्फ और उसने कहा आपके सामने बिरबन हाजिर है प्रस्तुत है बिरबन इट इज यू राजा देखकर बहुत खुश हो गया और उसने कहा बिरबन ये तुम हो इम अकबर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज आश्चर्य से उसने ऐसा बिरबन से पूछा आई शुड हैव नोन मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि इस तरह का जवाब मेरे बिरबन के अलावा और कोई दे ही नहीं सकता है So up to this in this video. Bye students. Have a nice day.